हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। अब मैं आ गई रसोई में। ये देखिए, हम बना रही मैंने दलिया चढ़ा दिया मैंने इसमें, और ये मेरी चाय बन गई है यहाँ पे। अब मैं ये चाय भी छानती हूँ। तेज गैस पे मैंने दलिया रखा हुआ है, अब मैं छानूंगी चाय। ये देखिए चाय बन गई, अदरक की मसाले वाली चाय। आ जाइए, चलते चाय पी लेती हूँ पहले। आ जाओ, चाय डाल दी है, चाय पी लीजिए, अदरक की गरम गरम चाय। ठीक है, अब मैं भी पी लेती हूँ। वरना 8-10 दिन हो गए, कान में दर्द नहीं है इस वाले में, लेकिन जैसे ना खाना खाएंगे, जैसे ऐसे अगर मुंह खोलेंगे तब इसमें मेरे को इधर यहाँ पे दर्द होता है इसमें। वो दिखाई नहीं दे रही है, पर देखा था प्रोसीजर, कह रहे फुंसी है। उन्होंने भी देखा था, फैमिली ग्रुप पर डाला था, तो हमको कह रहे डॉक्टर को दिखाओ। अब मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास में, और आजकल तो अब ज्यादा फैल रही है वो बीमारी, और मैं बीमार वैसे ही रहती हूँ। इसको ठीक करवाने के चक्कर में कहीं दूसरी बीमारी मैं घर में ले आऊं, तो मुझे इससे डर लग रहा है। हमारे घर में दवाई है कौशिक जी की, कई बार कान दर्द होता है तो हमको देता है दवाई, तो वही कान वाली डालने वाली दवाई थी, वो मैंने डाली है कान में। फिर कल मैंने लहसुन का तेल बनाया है, वो सरसों के तेल में खूब सारी लहसुन कूट के, बारीक बारीक कूट के, और उसे ना खूब हल्की गैस पे उसे मैंने बना लिया था। फिर उसे ठंडा करके और एक डब्बे में भर दिया है, और जब मुझे डालना है कान में तो हल्का निवाया करूंगी, जो कि मैं अपना मतलब सहन कर सकूं हल्का हल्का सा, तब वो मैंने कान में डाला था। तो कल वो डालने के बाद में मेरे कान में ना तो ऐसे चबक चलती है, जैसे कोई चीज पक जाती है चबक चलती है, इस टाइप की चबक लगी थी, या तो लहसुन की वजह से लगी होंगी किसी वजह से। तो देखिये आप, मेरा एक साइड का इधर का मुंह सूजा हुआ भी है, इस साइड का ये। अब मैं देखती हूँ करके, एंटीबायोटिक कैप्सूल है वो भी ले रही हूँ मैं। देखिए अब नहीं बनेगा काम तो जाना ही पड़ेगा। कौशिक जी की मीटिंग थी सुबह, मेरे को गर्म पानी देके गए थे कौशिक जी, और ये दलिया खा गए थे कौशिक जी, मैंने वो पी लिया। मैं कई दिन से कैप्सूल ले रही हूँ, एंटीबायोटिक कैप्सूल ले रही हूँ, हो सकता है उसमें थोड़ा नींद वींद का भी थोड़ा असर होता हो। कल मैं सारे दिन सोई हूँ, कल के दिन मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप कहोगे आंटी कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? बेटा मैंने कल एक बार भी चाय नहीं पी। जैसे कहते हैं ना कि चाय नहीं पीऊंगी तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, तो कल तो मुझे चाय से ना, अगर कोई हो सकता मुझे बना के दे देता तो शायद मैं पी भी लेती, लेकिन एक तो मेरी बस की भी नहीं था। कौशिक जी चाय लाओ। और कल मैंने एक बार भी चाय नहीं पी, और ना मेरे खाना खाने की इच्छा हुई। रात को मैंने खाना भी नहीं बनाया था, इडली बनाई थी थोड़ी सी, बस इडली और सांभर, इडली सांभर चटनी, वही कौशिक जी ने खाया है। तो ये मीटिंग में गए थे। हमारा इतना छोटा सा घर है ना, तो इसमें अलमारी एक भी, बस एक हमारी गोदरेज की अलमारी है यही वाली, इसमें एक भी आला दीवारा नहीं है कि जिसमें कि हम कोई चीज रख सके। सारी चीज मतलब धरती में ही रखनी पड़ती है। एक हमने टेबल ली हुई है, उसमें 2-3 दराज सी है, छोटी सी, छोटा छोटा सामान है, वो सारा भरा हुआ, वो भी भरी हुई है। मेरे यहाँ घर में मैंने स्पेशल बनाई हुई है कवर्ड अलमारियां, बनाई हुई है बिल्कुल कवर्ड है, बंद करी हुई है बिल्कुल, वो अलमारी मैंने बनाई हुई है, बहुत सुंदर अलमारी बना रखी है मैंने। कोई बाहर से आ रहा हो भाई ना इतना सामान ला सके, तो उसका यहाँ पे अपने कपड़े वपड़े रख सकता है आराम से। यहाँ पता नहीं क्या किराए के मकसद से बनाए जाते हैं मकान, बहुत बेकार मकान बनाया हुआ है। एक इतना छोटा सा आला बनाया हुआ है, इतनी पतली सी, इतनी सी वो मतलब, जिसमें कि आप, मैं बताऊं आप, एक एक ब्लांड भी नहीं होगा, एक इतना भी नहीं होगा, इतना भी इतना उसमें बता क्या रख सकते हैं हम। और अलमारी में एक चीज नहीं रख सकती जा सकती, दवाई है कोई चीज अलमारी थोड़ी रख देंगे हम। बस अब तो ये है ट्रांसफर का सोच रहे हैं, आ जाएगा तो जाते हैं। वैसे कौशिक जी का दिमाग थोड़ा सा आजकल और चल रहा है, वैसे 1,00,000 रूपये सामान में लग जाएगा कह रहे हैं, ट्रक व्रक से लेके जाएंगे, 1,20,000 करीब मतलब लग जाएगा। इनके बैंक के अफसर जो आए हैं साथ, इनके साथ में दिल्ली से, तो उनका भी इतना ही लगा है। अब कौशिक जी कह रहे हैं कि मेरा इतने का सामान नहीं, इतना पैसा मैं क्यों दूंगा, तो कह रहे मैं यहाँ सेल करके जाऊंगा, इससे जितने भी मिलेंगे पैसे इसके बस बहुत है, वहां जाके नया और खरीद लेंगे। अभी हमने इस्तेमाल भी कर लिया है, एसी भी है, इन्वर्टर भी है, हाँ आरओ में ले जाऊंगी, आरओ मैंने अभी खरीदा है। अब हमारा काम ये होगा कि अब हम अपना सामान है, जो हमारा जो कपड़े हैं, जो हमारे कपड़े आए हुए हैं यहाँ पे, जो अलमारी हमने भरी हुई है यहाँ पे, कौशिक जी के फालतू जो कपड़े, थोड़े से कपड़े कौशिक जी रखूंगी, अपनी सारी साड़ी जो मैंने यहाँ खरीदी है, जो मेरे पहले से है साड़ियाँ, और जो नया सामान मैंने यहाँ पे खरीदा है, मिक्सी है, 2-3 तरह, दो मिक्सी है मेरे पास, ग्राइंडर है, ये सारा सामान मैं धीरे धीरे करके अब अपने यहाँ शिफ्ट करूंगी। क्योंकि कौशिक जी कह रहे हैं मैं ट्रक का क्यों दूंगा 1,20,000 रूपये, इतने का मेरा सामान नहीं है। पहले हम सेलम से आए थे, तब भी कौशिक जी ने अपना काफी बड़ा बड़ा सामान निकाल दिया था, डबल बेड था हमारे पास, वहां पे चेयर वेयर सब सारी कौशिक जी सेल कर दी, सेलम से आए थे जब भी कर दिया था, कह रहे थे कौन लेके जाएगा इसे,
पेड़ से कुछ दिन बात निकल थी, जब डबल बेड लिया था इन्होंने यहाँ पे आके, तो इन्होंने वो स्टील का डबल बेड ले लिया था। और वास्तु के हिसाब से स्टील पैक के बेड पे सोना घर में रखना अच्छा नहीं होता है। हमारे दो कुत्ते थे, दो कुत्ते भी चले गए, उन्होंने हमारी रक्षा करी थी, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, दोनों चले गए। लास्ट में जब हम यहाँ पे आए, मैं तो घर ही थी जब ट्रांसफर आया इनका, तो कौशिक जी ने मुझसे पूछा था, मैंने कि सबसे पहले तो वो जो आपका स्टील का बेड है उसे निकाल दो। इन्हीं के ही है, अपने ही जो बैंक के थे उन्होंने खरीद लिया था, खरीद लिया क्या दे ही दिया था, ऐसे ना खरीदना दिया, पैसे वैसे नहीं लिए, क्योंकि ये उनका बहुत काम करते थे, बहुत अच्छे लोग थे वो। तो कौशिक जी ने उन्हें ऐसे ही दे दिया था कि भाई चलो ले लो, गद्दे भी गद्दे समय तो बेड दे दिया कौशिक जी ने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ के मैंने ये खरीदा है 9,000-10,000 के, तो मेरे गद्दे हैं इसमें ये वाले, वो बेड की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ गद्दा मुझे चाहिए था बिल्कुल आरामदेह। ये मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी गद्दा बहुत अच्छा है ये, लेकिन हम स्पेशल गद्दा नहीं ले जा सकते ना, इसके लिए मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं, गद्दा फिर मैं वहां से ले लूंगी। बस अब मैं ये आइडिया बना लिया है। दीपा भी कह रही है मम्मी अब मैं भी दलिया लेके आऊंगी, मैं भी आपकी तरह रूटीन बनाऊंगी, डेली दलिया खाऊंगी, बना के सुबह अपना दलिया बनाऊंगी डेली। मैंने कहा अच्छा है बेटा, ये भी नहीं भारी भी नहीं लगता, तेल घी है नमक है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, हल्का सा नमक डालती हूँ उसमें, तो घी डालती हूँ एक चम्मच की, बहुत अच्छा खाना है। तो कह रही है मैं तो इंतजार कर रही हूँ 2-3 महीने का, फटाफट आप आ जाओ। आज कोशिश घर में है, आपस में ना हमारी बहसबाजी बहुत होती है, जहाँ प्यार होता है हमारा थोड़ा सा आपस में हो भी जाता है, लेकिन हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, ये चीज भूल जाते हैं हम, हमारी हमारी आपस में से हुई है। कई बार कोशिश को याद रहती है चीजें, कहते हैं अभी तो मेरे से ऐसे बोल रही हूँ और अब फिर वैसे बोलने लगी। मैंने कि कोई बात ना ऐसा चलता रहेगा, फिर टाइम पास कैसा होगा हम लोगों का। और देखो हमारा छोटा सा घर है, नल चलेगा तो आवाज आएगी, और इसलिए मैंने अभी वाशिंग मशीन बंद कर रखी है, क्योंकि तो अभी वाशिंग मशीन नहीं चला रही हूँ, मैं बात करूंगी तो उसकी आवाज आएगी। कल ब्रश पर था, कपड़े नहीं धुल पाए थे, मेरी माँ के घर में भी वो सब बीमार है, सबसे पहले सभी को हुआ था, जुकाम हुआ है, सब ठीक भी हो गए थे, फिर दोबारा भाई को पता नहीं कैसे ठंड लगी है, क्या घूमने गया था सुबह सुबह, परसों पर दिन तेरा बुखार है लगा, शरीर टूट रहा है जैसे, तो चेक करवाया जाके तो 100 बुखार बताया डॉक्टर ने, तो कह रहा है एक बार तो लगा था जैसे टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर बाद में जब वो काढ़ा वाड़ा पिया तो टेस्ट आने लगा है, लेकिन उस चीज से मेरी मम्मी जो बेचारी बड़ी बूढ़ी है, बहुत बड़ी बूढ़ी है, तो वो डर रही है, वो कह रही मैंने इतने दिन से बचाव करके रखा था, इतना सब कुछ था, मेरे हो गया तो मैं नहीं बचूंगी, मैं बेशक कहती रहती भगवान हमें उठा ले। और जब ये चीज आती है ना, बहुत ऊपर आती है ना, जैसे बीमार हो गए हम, और जैसे मेरे भाई बीमार हो रहा है, खांसी जुकाम हो रही है, उसके टेस्ट करवाया, टेस्ट वेस्ट में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बूढ़ी है, उनके शुगर है मम्मी के मेरे, और बहुत बड़ी बूढ़ी है, तो उन्हें अपना डर लग रहा है। बड़ी बहन गहरी मेरे से बात करते कर रही थी तो रो रही थी, उन्हें डर लग रहा है, कह भी रही है कि भाई मैं वैसे मरू मरू करूं, लेकिन ना मर जाऊंगी, जब मरने के लिए आती है ना चीज तब आदमी डरता है उस चीज से। तो मैं कहूं भगवान जी सब ठीक रखो बस, और तो वही सब जवान है, झेल जाएंगे उस चीज को, मेरी माँ नहीं झेल पाएगी। आवाज थोड़ी बोल रही है, मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पे, मेरी मम्मी की मेरी फोन पे बात होती है, कहती रहती है आ जा मम्मू। भगवान ठीक रखे मेरी माँ को, भगवान जी ठीक रखे मम्मी को, सबको ठीक रखे। मम्मी के घर में टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन कह रहे वैसे सब टेस्ट वेस्ट सवारा, बुखार भाई को 100 था तो PCM दिया डॉक्टर ने, तो 98 हो गया है, अगर कोविड है तो बुखार नहीं उतरता है, टेस्ट आ रहा है खाने में वो भी नहीं लगता है, तो अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी माँ बहुत डर रही है। और मैं 3 दिन से फोन कर रही हूँ, मेरी माँ मेरा फोन नहीं उठा रही है, ये भी देखो आप, क्योंकि वो दुखी है बहुत ज्यादा इस टाइम। और मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने आटा मंगाया है 1 किलो, मैंने वैसे दीपा से कह दिया है कि दीपा तू अपने वहां पर फ्रीज है उसमें डाल दियो बेटा, 195 का आया है 1 kg बाजरे का आटा, और मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी पैकिंग, दीपा ने फाड़ के दिखाया, और मैं दीपा से गुस्सा भी कर रही थी कि तूने 195 कोई चीज मंगाई है, और वो तो बहुत हल्की थी, टॉर्च मंगाई छोटी, और ये इतना भारी था तुझे पता नहीं लगा है, और तुम मुझसे एक बार फोन करके तो पूछ सकती थी, मुझसे नहीं तो पापा से पूछ रही थी, इसकी जगह 5 किलो आटा आ जाता, आप ये बताओ। देखिये ये आटा है, ये 1 kg बाजरे का आटा है 195 का, अब ये आ गया है वापस भी नहीं जा सकता है, ये दीपा ने गलती से ले लिया है, और ये दीपा के यहाँ डिलीवरी पहुंची है, मैंने यहाँ से कैंसिल कर दी थी, तो मैंने कोशिश से मना भी कर दिया था कि भाई अगर बाई चांस कैंसिल ना हो पाई और आ रही हो ना तो आप मत लेना, लेकिन दीपा ने ले लिया, दीपा के यहाँ पहुंच गया, दीपा कह रही मुझे यहाँ क्यों पहुंचाया था, मैंने कहा मुझे ही ना पता कैसे चला गया तेरे यहाँ पे, तो वो हो सकता है उनका दिमाग काम कर रहा हो, जो सामान भेजने वाला चालाकी से करा हो, कि इन्होंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, एड्रेस तो दूसरा भी है इनके पास में गुड़गांव का, उनका काम तो सफल हो गया ना। बात नहीं, मैंने भी कह दिया दीपा कोई बात ना बेटा, गलती एक ही बार होती है, बार बार थोड़ी करेगा आदमी गलती, अब वो मैंने उसके फ्रिज में रखवा दिया। ये पैसा आ रहा है फ्री में आ रहा है, नौकरी ना कर रहा कोई आदमी, नौकरी करके नहीं आ रहा पैसा, इस पैसे को बर्बाद करो और क्या 195 रुपए किलो कौन सा आटा बताइए। देखो ना
और मैंने यहाँ से कैंसिल जब कर आप था। जब आप ऑर्डर करते हो और कोई आटा जो 40-50 रुपए किलो है, अगर वो 195 रुपए 195 रुपीज केजी है, तो वो कोई ऑर्डर करेगा ये बता दो मेरे को। मैंने करा ना, तो क्यों करा ये बताओ ना, क्यों करा 195 रुपए किलो का कौन सा आटा भैया, गलत है ना। और मैं आपको बताऊं, अब मेरी मजबूरी है कि मैंने वो 195 रुपए का आटा नहीं फेंकना है। अब जब मैं अपने घर जाऊंगी तब मैं उसकी रोटी स्पेशल बना के दिखाऊंगी आपको 6 महीने बाद। कभी फ्रिज में खराब नहीं होगा, फ्रिज में मैं भी रखती हूँ। कुटू का सिंगाड़े का आटा मेरा भी रखा रहता है, मैं रखती हूँ, मैं साल साल कार्ड रखती हूँ कुटू का सिंगाड़े का, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है। आज से ठीक 6 महीने बाद आपको उसकी अप्रैल महीने बाजरे की रोटी बना के मैं आपको दिखाऊंगी। जबकि बाजरा खाया बहुत दुख है मुझे सच में, जो 30 रूपए 4 दुख होता तो भैया 195 रूपए का ऑर्डर ना होता आटा। देखो ऐसे कहे कमाने वाले जैसे यही है, हम तो भैया उड़ाने वाले हैं, उड़ाने वाले की बात नहीं है, लेकिन आटे की दीपा से एक शब्द नहीं बोला गया इनसे, एक डांट नहीं मारते, बच्चों को डांट नहीं मारेंगे, पता नहीं गऊ बैठी है उसे उसके कान पकड़ लेते हैं, कहते नहीं गऊ बैठी है शादी हो जाएंगे। चलिए काफी बात कर ली मैंने आप लोगों से, अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। जय हो मेरे वैकुंठ पर देवी देवता हो, दीनों के नाथ हरी, दीनों के नाथ हरी। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग दो शोक को मुझसे स्वामी से मेरे बच्चों से मेरे घर से दूर रखना। जय हो वैकुंठ पर देवी देवता, बोले भी सब देवी देवताओं की जय हो। जय हो बाबा जी महाराज की, मैया जी की जय हो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। कोशिश फ्रेश है बिल्कुल, देख लो। और क्या, अभी आया हूँ थक थका के। थक थका के आए हैं, मीटिंग में गए थे आज, मैं बता रही थी ना आपको इनकी मीटिंग है, और सुबह ही गए 7 बजे के, अभी आए हैं। हाँ कोयम्बतूर गया, कोयम्बतूर गए थे, सुबह गाड़ी आ गई थी 7 बजे, और वो वहाँ पर खड़ी रही तक इनकी वो चल रही थी मीटिंग, फिर लेके आई है वापस। और मैं वैसे कोशिश जी के बिना सारा दिन रहती हूँ घर में, बताती हूँ ना, मैं सारा दिन रहती हूँ, सुबह जाते 10 बजे, लेकिन आज ये 3 घंटे पहले चले गए। सुबह 10 बजे जाते हैं, फिर दोपहर में, फिर ये है दोपहर में भी आते हैं जैसे, और फिर शाम को रात को 10 बजे आते हैं, तो मुझे थोड़ा इतना उस टाइम का पता नहीं लगता, लेकिन आज जो मेरा टाइम बीता है वो मैं बताऊँ, मेरा तो सदियां बिता दी मैंने आज इस टाइम पे। मैं बता रही, मैं एक दिन की तो बात थी बस, मैं इतनी बोर हो गई, इतनी बोर हो गई कौशिक जी के बिना। 7 बजे से लगा लो आप, मेरा 7 बजे से दिन खराब हो गया है। उसके बाद मैं तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो मैं सो भी गई थी। उठ के फिर मैं अपना झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करके नहाना धोना पूजा पाठ करिए सब, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर ये रहता है ना कौशिक जी का, कौशिक जी रहते हैं तो मुझे ये रहता है कि कौशिक जी आएंगे तो फिर मैं खाना खाने के लिए, तो मैं खाना बनाऊंगी फिर। अच्छा, खाना इसीलिए आज था ही ना कि भाई वो आएंगे दोपहर में ना, आज नहीं था, तो फिर मैंने आज भी दोपहर में दलिया खा लिया था और मक्के की रोटी रखी थी रात की। अब आप कहोगे आंटी ने रात की रोटी खा ली, बेटा स्वाद लगती है बहुत खाने में, आलू गाजर की सब्जी और मक्के की रोटी बहुत स्वाद लगती है, और मैंने खाई थी बस। उसके बाद मैं पता नहीं क्या, कल रात भी हम थोड़े लेट सोए थे, वीडियो एडिट कर ये एडिट कर रहे थे कौशिक जी, तो फिर मैं भी इनके पास सोया था जी 2:00 पे रात को। हाँ मेरे से ना बहुत देर लगती है एडिट करने में, मैं थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको डेली थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी वीडियो देखने में भी, कि लेट करके दे रहे हैं वीडियो, तो इन पे हो नहीं पा रही है। हो नहीं पा रहा मेरे, अब इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि फटाफट कर देगी, आधे घंटे 4-5 घंटे लगता है जी। कौशिक जी का तो ये है, बैंक से आएंगे खाना खाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे फिर उसके बाद करेंगे शुरू, थक भी जाते हैं सारा दिन बैंक का काम कर रहे, एकदम यहाँ भी लग जाऊंगा भाई, थोड़ा सा तो मेरे को तो रेस्ट करना ही पड़ता है। पढ़ाई तुम कहीं कुछ वो एडिटर ही तो ना भगा दोगी कहीं, इन्हें ऐसे डर लग रहा है। और क्या, एडिटर हो गया तो फिर पैसे भरो। मुझे अपने आप पे ना कई बार ना गुस्सा भी आता है कि ऐसी ऐसी औरतें, गांव की औरतें वीडियो डाल रही हैं, जो खेती में काम कर रही हैं, जो ऐसी ऐसी है, वो लोग बताती है कि हम एडिट कर लेते हैं। तो मैं क्या पता वो खुद एडिट कर रही है ना, उनका कहना है कि हम खुद एडिट करते हैं। अरे भाई जब वो एडिट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अब मेरा थोड़ा लो हो रहा है कॉन्फिडेंस, मेरा ये हो रहा है पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो डाउन आना नहीं थी ना। अभी आप कोई मेरे से कह रहा था आंटी अपना वो दिखाते हैं उस पे यूट्यूब पे मोबाइल पे भी दिखाते हैं एडिट करने के लिए, तो मैं सुन रही थी, काफी कोशिश भी कर रही थी, वैसे उस पे मोबाइल पे शायद ज्यादा भारी नहीं है
अगर उसे ध्यान से देखा जाएगा, लेकिन मेरे साथ एक बंदा चाहिए मुझे बताने के लिए थोड़ा, जिस टाइम मैं करूंगी काम तो उस टाइम बता दिया करूंगा, उस टाइम मुझे चाहिएगा। जैसे दो चार बार अगर प्रैक्टिस कर रही ना मैंने, अरे मुझे को तो मोबाइल चलाने नहीं आते थे, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं थे, जब हम बड़े हुए हैं, हमारी शादी हुई है, काफी साल तक हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हम जबलपुर थे तब तक भी नहीं थे हमारे पास मोबाइल, झूठ नहीं बोलेंगे इसमें कि भाई हम बड़ाई करेंगे कि हमारे पास थे, जब नहीं। और बच्चे आजकल है स्मार्ट, वो बहुत जल्दी सीखते हैं चीजों को। हमारे पास 2005 में आया है मोबाइल, जब मैं मोबाइल के सब चीज सारी चीज जो फंक्शन है सारे मैं कर सकती हूँ, मैं चला लेती हूँ सब चीजें, भाई कहाँ कौन सी ऐप कहाँ डालनी है, कौन सी चीज कहाँ डालनी है, हर चीज मैं करती हूँ। जब बस एक बार मुझे दीपा को, दीपा मेरे वहां से बताती है कि मम्मी ये देखो व्हाट्सएप में फोटो खींच के बताएगी कि इस तरह से करना है, देखिए और फिर मैं वैसा वैसा कर दूंगी। जब मैं वो काम कर सकती हूँ तो क्या मैं एडिट नहीं कर सकती? शिवानी ने कह दिया कि मम्मी आप कर सकती हो। दीपा कह रही थी मेरे से, मम्मी मैंने कि हाँ आप अंकुर को बेटा बोलती हो वीडियो में, और मेरे लिए तो दीपा कहती हो। अरे मैंने कि बेटा मैं कहने में और जो नाम लेने में प्यार में कि दोनों में ही है, जिसमें नाम दिया जाता है उसमें प्यार ज्यादा है। और क्या नाम? अरे भाई वो है भाई, कोई शब्द बोल रहे हैं उस टाइम, हो सकता है जल्दबाजी में बोल गई हूँ बेटा, तेरे को मैं कई बार बेटी पता नहीं है। बच्चे है ना कुछ ज्यादा ही वो करते हैं, इनसे एक को ये कह दो दूसरे का नाम ले दो तो इनको परेशानी हो जाए। हमको नहीं करता, हमको को मतलब नहीं है। हाँ दीपा छोटे छोटे बात पकड़ती है। अभी एक दिन दीपा का क्या हुआ था, दीपा मेरे से कहती मम्मी घर की ना वो घर का टूर करके दिखाते हैं अपना, जो हमारे घर का हमारा पुराना घर है जहाँ हम रहते थे वहां का दिखाते हैं, तो मैं आप वीडियो बना के भेजो, मैं यहाँ फिर मैं फोटो दे दूंगी, जहां जहां का आप दिखाओगे वहां वहां फोटो मैं डाल दूंगी। भाई आप से लोग कह रहे हैं कि भाई अपना घर दिखाओ वो वाला जहां आप रहते थे पहले, तो मम्मी इस तरह से हम दिखा सकते हैं और बाकी वो हम जाने के बाद दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर मैं बताओ इतनी मेहनत करके मैंने वो वीडियो बनाई है, बस उसमें मेरे थोड़ी ये गलती हो गई है, मैं इसमें ये कह रही है, मैंने बताया था ये अंकुर का रूम है, ये अटैच लेटरिन बाथरूम है, ये हमें हम मतलब मास्टर बेडरूम है ये बोला मैंने, और ये मैंने कि ये भगवान का रूम है, ये रूम है उसमें दीपक का ही सारा सामान है। वैसे दीपक पढ़ती भी हुई है, सोती नहीं है, मैं पढ़ती भी हुई है, बस मैं इतना एक शब्द बीच में भूल गई थी कि ये दीपक का कमरा है, बस इसी बात पर दीपक बहुत नाराज हुई है कि आपने अंकुर को कमरा दे दिया कि बेटियों के लिए घर में कमरा नहीं होता है। मैंने कि बेटा मैंने कि ये मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती क्या, मैं गलती नहीं थी, वो कई बार हो जाती है चीजें, अब बेटी है बेटी के शादी होने के बाद तो अब बड़ी हो रही है, शादी होने के बाद घर ही जाएगी ना, अपने ससुराल जाना है ना, वहां होते हैं बेटियों कमरे, अब कोई बात नहीं अगर मेरे से गलती हो गई तो। मैंने कहा ठीक है, बोली मैं नहीं डालूंगी, मैंने कहा फिर ठीक है मैं दोबारा बना रही हूँ, फिर मैंने दोबारा वो वीडियो बनाई दोबारा से उसमें बताया नहीं वो वीडियो, फिर मैंने दोबारा बनाई उसमें बताया मैंने कि अंकुर का कमरा है उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम है, ये दीपा कमरा है, भगवान का मंदिर है, ये दीपा का सामान है, दीपा यहाँ पढ़ती है रहती है सारे दिन लेकिन सोती है हमारे साथ ही है, ये सब डाल दिया मैंने, लेकिन आज तक वो वीडियो डली नहीं है मेरे से, मतलब डबल मेहनत करवाई है इसी बात पे। फिर मैंने कहा चलो बच्चों को ना बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं बेटी बेटा मैं कभी भेदभाव नहीं करती हूँ, ये चीज करके मैंने कहा इसे महसूस ना हो, मैंने कहा बेटा कोई बात ना उसे मत डाल, मैं दूसरी बना देती हूँ, फिर मैं दूसरी बना दी है। अब उसी बात पर कहती है दीपा, और आज मेरा अंकुर का फिर मेरा अंकुर का बहुत हो गया है, पैर जल गया मेरा अंकुर का काफी, एक बार जला था उसका हाथ, इतना बुरा हाथ जला था उसका कि वो जब उसने भेजा था वो ये वाला हाथ था, ये कुकर है खाना बना रहा था इंडक्शन पे, वो दाल बना रहा था, वो इंडक्शन छोटा सा तो होता ही इंडक्शन, अब वो लुढ़क गया जब सीटी आ रही थी, वो लुढ़क गया और वो उसके हाथ पे आके गिरा, वहीं बैठा था वो, तो उसका पूरा ये वाला हाथ इतना जला था, इतना बड़ा हिस्सा जला था, पूरा मतलब ना हड्डी तक दिखने लगी थी अंदर की, इतना बुरा जला था वो। तो ये तो डॉक्टर है तो अपना दिखा दिखा के उसने ठीक कर लिया। आज अपने पापा के व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, पैर जला हुआ है, आज मीटिंग में गई हुई तो वहां से मेरे पास मेरे मोबाइल भेजा है, तो मैंने देखा, मैं सोची कौशिक जी का किसका है, फिर मैंने कहा फॉरवर्ड करा है तो ये तो कौशिक जी का, ये अंकुर का पैर, फिर मैंने इसे फोन करा, जब भी मीटिंग में कोई बात ना मैं फोन कर लेती हूँ, फिर मैंने इसे फोन करा है तो इन्होंने मुझे बताया कि अंकुर का पैर जल गया है, वो पानी गिर गया, कुकर का पानी गिर रहा है। अरे भाई तू शादी कर ले भाई, शादी कर ले भैया, क्यों तो उम्र भी हो रही है, शादी तो होनी चाहिए भैया है, अब इतना तो बोल रही है, तू रोज रोज तुझे खाना बनाने का बाहर का तू खाना खाता नहीं है, तुझे घर का खाना चाहिए तो घर का खाना तो वही बना सकती है ना आके, भाई दोनों मियां भी रहोगे तो मिल बैठ के बना लोगे खाना, डॉक्टर रहेंगे दोनों कर सकते हो ना, अब मैं अकेली बकेली मैं यहाँ से कौशिक भी संभालू या तेरे को संभालू ये बता ना, अब तू शादी करवा ले। आज मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर मैंने वो फोटो दीपा पे उसमें फॉरवर्ड कर दिया था, तो दीपा कह रही मम्मी ये कौन है, पापा या अंकुर? मैंने कि बेटा ये अंकुर, मैंने लिख के भेजा, मैंने कि ये अंकुर,
बताओ जलने के बाद आप कितनी तकलीफ होती है बताओ। इतना बड़ा हिस्सा पैर का अंगूठे से ऊपर का हिस्सा जल गया उसका। चप्पल जूता कुछ नहीं पहन सकता इतना जला हुआ है पैर। बताओ बच्चों का यहाँ से हम दुख बांट रही हूँ बैठ के मैं, लेकिन उसका जो असलियत उसको दुख हो रहा है उसे मैं नहीं बांट सकती हूँ। वो तो मेरे पास रहता तो मैं उसकी हेल्प करती कुछ भी करके। अब ये बताओ जो मेरे बिना एक मिनट बच्चा रह नहीं सकता है, थोड़ा सुखाम होगा मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी आ जाओ मम्मी आ। आपको अपना काम ही दिखता है, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, और आप देखो इतना बड़ा बड़ा जला जला के बैठा है। आज तो मैंने कोशिश से कह दिया है, मैंने भाई शादी कर दो भाई, अब हमारे पास तो है नहीं, अभी एक साल अभी 10 महीने है अंकुर के खत्म, अभी 10 महीने हो रहे हैं, 10 ही रह गए अंकुर के भी, अंकुर के पूरे हो जाएंगे 10 महीने रह गए, फिर हो सकता है अभी इकट्ठे रहे। जो मैंने वो साईं बाबा की वीडियो डाली थी, मैं दीपा से बात कर रही थी, जो बताया था साईं बाबा के बारे में, तो दीपा से मैं कह रही थी मैं कि तुझे पेट में दर्द और चक्कर आया था, बोल रही मम्मी मेरे को वो हुआ था, वो कौन सा खाएगा कौन सा अटैक पड़ता है जो एंजाइटी। बोली मुझे एंजाइटी अटैक पड़ा था उस दिन, क्योंकि मुझे एकदम चक्कर आया, आंखों के आगे अंधेरा खूब अंधेरा हो गया था मुझे, और मेरा ना यहाँ पर दर्द हुआ था, छाती में दर्द हुआ था, जो घबराहट से, क्योंकि आप रो रही थी आपको देख के मुझे घबराहट हुई है बहुत ज्यादा, तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया, चक्कर आया एकदम बहुत जोर से, और पूरा हाथ पैर पूरे अंदर शरीर में बिल्कुल ताकत खत्म हो गई, तब मैं रोई थी। उसके बाद में जब आपको देख के ना कि मेरी मम्मी को क्या हो जाए, मम्मी कुछ होना जाए यहाँ पे, बहुत वीडियो बना ली है मैंने, काफी लंबी हो गई है, आप भी बोर हो जाओगे देख के, इसलिए मैं वीडियो यही एंड कर रही हूँ। ठीक है, देखो आराम से प्यार से वीडियो देखो, लाइक करो सब्सक्राइब करो और हमारी चैनल को आगे बढ़ाओ भाई लोगों। पता ना 10 तक पहुंचा फिर 9 आ जाता है, ना पहुंच रहा है ना, पता ना कौन है अपना हाथ खींच रहा है बार बार, क्या मिल रहा है भाई। एक बार तो 4,100 हो जाए और फिर अगले दिन फिर 4,009 ही हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं व्यूज भी बिल्कुल ना पड़ रहे। चलिए मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।